हेलो प्यारे बच्चों बच्चों, हम आपकी क्लास 10 एनसीईआरटी इंग्लिश फर्स्ट फ्लाइट का 8वां चैप्टर मिसबिल द ऑटर। ऑटर जैसे नेवला होता है ना, नेवले जैसे थोड़ा सा बड़ा है ना, एक जानवर होता है ये, और जिसका कि लेखक ने नाम क्या रख दिया था, मिसबिल नाम रख दिया था है ना। इसका एक दूसरा नाम ऊदबिलाव भी है, लेकिन आपने नेवला सबने देखा होगा, ठीक है ना। तो ये लेखक हैं गैविन मैक्सवेल। इसके फर्स्ट वीडियो में हमने दो पार्ट, इसके चार पार्ट हैं, तो दो पार्ट हमने कर लिए थे। इस वीडियो में हम इसका थर्ड पार्ट और फोर्थ पार्ट करेंगे, है ना। अगर आपने वो नहीं देखे हैं तो पहले वो देख लेना आप, है ना। और जैसा कि इसमें पेट के महत्व के बारे में बताया गया है, जो पालतू जानवर होते हैं है ना, तो जो जो लोग पेट्स रखते हैं अपने घर पे है ना, उनकी बहुत ज़्यादा उनके प्रति इंटीमेसी होती है, बहुत ज़्यादा वो लगाव होता है उनका। वो एक तरह से उन्हें पेट्स को अपने परिवार का सदस्य मान के चलते हैं, तो उनका महत्व वही जानते हैं जो लोग उनको पालते हैं, ठीक है ना। और एक बार जो कोई पेट पालना शुरू कर देता है तो फिर उससे रहा नहीं जाता है ना, फिर वो हमेशा उसको पेट चाहिए ही होता है ना। जैसे और ये जो पैट्स होते हैं, इनके अंदर भी बहुत अपने मालिक के प्रति बहुत अच्छी अच्छी भावनाएं होती हैं, है ना। जैसे मैंने फर्स्ट वीडियो में बताया था आपको कि एक लेखक थे, मतलब एक आर्मी के एक ऑफिसर थे, उनका एक बहुत बड़ा एक युद्ध के दौरान एक्सीडेंट हो गया था, है ना। सैनिक की उससे घायल हो गए थे वो, विपरीत जो सैनिक होते हैं उनसे, तो उस उनका एक पालतू डॉग था, उसी ने उनको जीवन दान दिया, है ना। उनको बिस्तर पर से खड़ा करने में उसकी इतना बड़ा रोल था कि उस दिन मुझे लगा कि एक पेट का कितना महत्व हो सकता है इसके जीवन में, है ना। मैं अपने जीवन की छोटी सी घटना बताता हूँ आपको। जैसे कि किसान जो होते हैं गांव में, उनके पास बैल होते हैं, पालतू है ना, पालते हैं वो, उनको खेती के काम में लेते हैं, बैल होते हैं। फिर क्या होता है, जब वो बुजुर्ग हो जाते हैं वो बैल, है ना, 10 15 20 वर्ष की सेवा करने के बाद में, फिर जब वो बुजुर्ग हो, क्योंकि इनकी लाइफ बहुत कम होती है बेटा, जैसे गाय भैंस होती है ना, तो ये मैक्सिमम जो है ना 15 20 साल ज़्यादा नहीं जीवित रहते ये, है ना। आपने देखा होगा गाय का जो बछड़ा होता है या भैंस का जो पाड़ा होता है या पाड़ी जो होती है, वो 2 साल में ही कितनी बड़ी हो जाती है ना। तो इनका लाइफ स्पान और जीवों की तुलना, मनुष्य की तुलना में क्या होता है, बहुत कम होता है। तो एक हमारा बैल था है ना, जो बुजुर्ग हो गया, तो मुझे उससे बहुत लगाव था हमारे, तो जब वो बुढ़ा हो गया तो उस पर चला नहीं जाता था, उस पर खड़ा ही नहीं हो जाता था, है ना। तो जैसा कि आपको पता ही, जब कोई जीव हमारे काम का नहीं रहता तो हम उसको अपने घर से दूर कर देते हैं। तो मेरे एक अंकल थे, वो उसको अंधेरे में सुबह 3 बजे के करीब उठ के और पता नहीं कहाँ उसको 20 30 40 किलोमीटर दूर जंगलों में छोड़ आए, है ना। मुझे बहुत दुख हुआ, मैं खूब रोया, है ना, क्योंकि छोटा जो बच्चा होता है उसकी बड़ी भावनात्मक रूप से बड़ा लगाव होता है उसको। फिर बताया आपको, कुछ दिनों बाद वो बैल अपने आप हमारे घर आ गया वापस से। अब आप सोचो कि उसको अंधेरे में लेके गए थे, रात को 2 3 बजे करीब लेके गए थे पूरी, और उसको पता नहीं कहाँ, यानी बैल ने रास्ता अपने दिमाग में बिठा लिया उसने, और वो उसी रास्ते से लौट के वापस से घर आ गया, यानी 15 20 30 किलोमीटर दूर से वो वापस लौट के आ गया ना। तो ये जो जानवर होते हैं, इनमें भी अपने मालिक के प्रति बहुत जबरदस्त श्रद्धा होती है ना। तो हमने इसके दो पार्ट कर लिए थे, फर्स्ट पार्ट और सेकंड पार्ट। अब हम इसका थर्ड पार्ट करेंगे। तो ऑटर जो है ये, है ना, नेवले से बड़ा होता है, जिसको ऊद बिलाव कहते हैं हम। तो लेखक अब इसको अपने इंग्लैंड ले जाने की सोच रहे हैं, ठीक है ना। अब लेखक कह रहे हैं, द डेज पास्ड पीसफुली एट बसरा। बसरा कहाँ पे है, इराक के अंदर एक शहर का नाम है। तो लेखक कह रहे हैं कि बसरा में हमारे दिन शांतिपूर्वक गुजरने लगे, बट आई ड्रेडेड द प्रॉस्पेक्ट ऑफ ट्रांसपोर्टिंग मिज टू इंग्लैंड। लेकिन ड्रेडेड द प्रॉस्पेक्ट का मतलब, जब मैं इसके बारे में सोचता तो मुझे डर लगने लग जाता था कि इसको लेके कैसे जाऊंगा मैं इंग्लैंड, है ना, कि इस बात को सोचने से ही लेखक को डर लगने लग जाता था, है ना, कि इसको मैं ट्रांसपोर्ट कैसे करके ले जाऊंगा इंग्लैंड तक, एंड टू कैम्स फरना, और इंग्लैंड से फिर कैम्स फरना तक कैसे ले जाऊंगा। द ब्रिटिश एयरलाइन टू लंडन वुड नॉट फ्लाई एनिमल्स, सो आई बुकड ए फ्लाइट टू पेरिस ऑन अनोदर एयरलाइन। अब जो ब्रिटिश एयरलाइन थी, जो एरोप्लेन जो होते हैं, ब्रिटिश एयर जो एरोप्लेन की कंपनी थी, उसने मना कर दिया कि हम एनिमल्स को अलाउ नहीं करते हैं,
अतः लेखक ने आई बुकड ए फ्लाइट टू पेरिस, अतः जो उन्होंने लेखक ने एक दूसरी फ्लाइट बुक करी कहाँ के लिए, फ्रांस के लिए, फ्रांस की कैपिटल ना पेरिस, और फिर वहाँ से दूसरी एयरलाइन कहाँ के लिए, फॉर देयर टू लंडन, लंडन के लिए, है ना, दो टुकड़ों में, बसरा से पेरिस और पेरिस से फिर लंदन, इस तरह से, क्योंकि डायरेक्ट जो फ्लाइट थी लंदन की उन्होंने मना कर दिया था कि हम एनिमल्स को कैरी नहीं करने देंगे। द एयरलाइन इंसिस्टेड, है ना, अब वो जो दूसरी एयरलाइन बुक करी उन्होंने इंसिस्ट किया दैट मिज शुड बी पैक्ड इन ए बॉक्स नॉट मोर देन 18 इंच स्क्वायर, कि इस मिज को, इस ऑटर को, इस ऊदबिलाव को, इस नेवले से, नेवले जैसी प्रजाति के जानवर को 18 वर्ग इंच, है ना, 18 स्क्वायर इंच का मतलब क्या होगा, 18 इंच यानी 1.5 फिट, 1.5 फिट बाई 1.5 फिट, ठीक है ना, के स्क्वायर बॉक्स से बड़े बॉक्स में आप इसको नहीं ले जा सकते, अर्थात इतना बड़ा बॉक्स ही आपको बनाना पड़ेगा, यानी 18 इंची ऐसे और 18 इंची ऐसे, ठीक है ना, इस तरह के बॉक्स में उसे पैक करना होगा। और टू द कैरिड ऑन द फ्लोर एट माई फीट, और पैरों के नीचे उसे फर्श पर रख के ले जाना होगा। आई हैड ए बॉक्स मेड, मैंने एक बॉक्स बनवा लिया, एंड एन आवर बिफोर वी स्टार्टेड, और 1 घंटा पहले, शुरू होने से पहले, है ना, रवाना होने से 1 घंटे पहले, घर से रवाना होने से 1 घंटे पहले, आई पुट मिज इन टू द बॉक्स, लेखक कह रहे हैं कि मैंने उस मिज को उस बॉक्स के अंदर रख दिया, सो दैट ही वुड बिकम अकस्टम्ड टू इट, जिससे कि वो उससे थोड़ा परिचित हो जाए, अकस्टम हो जाए, उसमें एडजस्ट हो जाए वो, एंड लेफ्ट फॉर ए हरीड मील, और मैं फटाफट से भोजन करने के लिए, खाना खाने के लिए निकल गया, है ना, खाना खाने के लिए चला गया उसको बॉक्स में बंद करके। वेन आई रिटर्न, अब लेखक कह रहे हैं जब मैं लौटा, वेन आई रिटर्न देयर वाज एन अपेलिंग स्पेक्टिकल, अपेलिंग स्पेक्टिकल मतलब होता है बहुत ही एक तरह से भयानक सीन था वहां पर, शॉकिंग सीन था, देयर वाज कंप्लीट साइलेंस फ्रॉम द बॉक्स, बॉक्स में बिल्कुल चुप्पी थी, कुछ भी आवाज नहीं आ रही थी, बट फ्रॉम इट इट्स एयर होल्स, और लेखक ने क्या कर दिए थे, उसमें छोटे छोटे छिद्र कर दिए थे जैसे कि उसको हवा पास होती रहे, लेकिन उसके जो हवा के जो छिद्र थे उनमें से, एंड चिंक्स अराउंड द लिड, लिड होता है ढक्कन, और ढक्कन के जो किनार होता है ना, ढक्कन के जस्ट नीचे जो जगह होती है, खाली जगह, वहां से ब्लड हैड ट्रिकल्ड एंड ड्राइड, वहां से खून की धार निकल गई थी, है ना, खून की जो ट्रिकल थी, है ना, जो रिसाव हो गया था और वो सूख गया था। आई विप्ड ऑफ द लॉक, मैंने झट से, झटके के साथ मैंने लॉक खोला, एंड टोर ओपन द लिड, और फटाफट से ढक्कन को तोड़ दिया, तोड़ दिया या एक तरह से मान लो हटा दिया। एंड मिज, और मिज को देखा मैंने एग्जॉस्टेड, वो बिल्कुल एग्जॉस्टेड था, बिल्कुल थका हुआ था, हार गया था एक तरह से। एंड ब्लड स्पैटर्ड, और उस पर खून के धब्बे लगे हुए थे। विम्पर्ड, है ना, कूं 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 कर रहा था वो, कूं कूं की आवाज कर रहा था, है ना, विम्पर का मतलब क्या होता है, कूं कूं की आवाज करने से कोई बहुत ज्यादा दुखी होता है, पेन हो रहा हो किसी को, जब जैसे वो ऐसी आवाज करता है, ऐसी आवाज कर रहा था। एंड कॉट एट माई लेग, और जैसे ही मैंने ढक्कन खोला उसमें से वो बाहर निकला और वो मेरे पैरों पर चढ़ आया, पैरों से लिपट गया एक तरह से, ऐसे समझो आप। ही हैड टॉर्न द लाइनिंग ऑफ द बॉक्स टू श्रेड्स, है ना, उसने अपने दांतों से जो उसकी लेयर थी, लाइनिंग, लाइनिंग का मतलब होता है लेयर, उस बॉक्स की लेयर को टुकड़े टुकड़े कर दिए थे उसने, बहुत जगह से काट खाया था उसको। वेन आई रिमूव्ड द लास्ट ऑफ इट, है ना, अब उसने काटा उसने तो उससे क्या पड़ गई, धार पड़ गई उस पे, तो उससे उसको और ज्यादा नुकसान हो सकता था, तो इसलिए लेखक ने क्या किया कि जो कटिंग एजेस थे, है ना, कटिंग एज मतलब जहाँ धार बन जाती है काटने वाली, है ना, तो सो दैट देयर वर नो कटिंग एजेस, ठीक है ना, तो वेन आई रिमूव्ड द लास्ट बिट ऑफ, लास्ट ऑफ इट, तो उसने क्या कर दिया था, उसके टुकड़े टुकड़े कर दिए थे उस लेयर के, है ना, जो बॉक्स था उस, वो जो लकड़ी का बॉक्स था, उस बॉक्स में से जितना वो दांतों से कुतर सकता था उसने उसको कुतर दिया, है ना, और उसके जो किनार थे उनको भी तोड़ दिया। तो अब लेखक ने क्या किया उनको कि थोड़ा सा रिपेयर किया उसको, है ना, जैसे स्मूथ करते हैं ना, रंदा लगा के, लकड़ी पर रंदा लगा के उसको स्मूथ कर देते हैं, तो वैसे ही लेखक ने उसको क्या किया, थोड़ा सा स्मूथ किया, जैसे कि उसमें कटिंग एज नहीं रह जाए, है ना, कटने वाली धार नहीं रह जाए। इट वाज, तो जब लेखक इस काम को पूरा किया उसने, है ना, उस जो कटिंग एजेस थी उनको, धार जो थी उनको दूर किया, तब इट वाज जस्ट 10 मिनट्स अंटिल द टाइम ऑफ द फ्लाइट,
फ्लाइट के टाइम में सिर्फ 10 मिनट बचे थे, कितने फ्लाइट के टाइम में सिर्फ 10 मिनट बचे थे, एंड द एयरपोर्ट वाज 5 माइल्स डिस्टेंट, और जो एयरपोर्ट था वो कितनी दूर था, 5 मील दूर था। आई पुट द मिजरेबल मिस बैक इन टू द बॉक्स, मैंने उस पीड़ित करहाते हुए, पीड़ा से करहाते हुए मिज को वापस उस बॉक्स में रख दिया, होल्डिंग डाउन द लिड विद माई हैंड, और मैंने उस ढक्कन को, उसके ढक्कन को मेरे हाथ से पकड़ लिया, जिससे उसको थोड़ा सा सांत्वना मिले, हल्का सा खुला रख लिया, ऐसे समझ लो आप। आई सेट इन द बैक ऑफ द कार, मैं कार की पीछे वाली सीट पर बैठ गया, विद द बॉक्स बिसाइड मी, बॉक्स को मेरे पास रख के, एज द ड्राइवर टोर थ्रू द स्ट्रीट्स ऑफ बसरा, और ड्राइवर उस बसरा की गलियों में कार को घुमा ले, कार को एक तरह से रास्तों को चीरता हुआ ले जा रहा था। चीर क्यों रहा है, रास्तों को चीरने का मतलब क्या होता है, क्योंकि 10 मिनट्स बचे थे तो उसने कह दिया था बहुत तेजी से लेके चलो, फास्ट ड्राइव करो, तो एक तरह से वो गलियों को चीरता हुआ ले जा रहा था। लाइक ए रिकॉहेटिंग बुलेट, है ना, एक ऐसी बंदूक की गोली की तरह जो बार बार क्या हो रही है, टकरा के बाउंस हो रही है। तो वो जो ड्राइवर था वो बसरा की गलियों में ऐसे चला रहा था, जैसे कभी इधर मोड़ा कभी इधर मोड़ा, है ना, क्योंकि बहुत तेज़ी से वो उसको चला रहा हो, जैसे कि कोई गोली क्या होती है, टकराने के बाद बाउंस होती है, टकरा के अपनी दिशा बदल लेती है। द एयरक्राफ्ट वॉज वेटिंग टू टेक ऑफ, है ना, बाकी सारे यात्री क्या हो चुके थे, उसमें बैठ चुके थे और एयरक्राफ्ट उड़ने वाला ही था, है ना, एयरक्राफ्ट क्या था, उड़ने वाला ही था, बस किसका इंतजार कर रहे थे, इस लेखक का ही इंतजार वो लोग कर रहे थे। टेक ऑफ, उड़ने का इंतजार कर रहा था। आई वॉज रश्ड थ्रो टू इट, मुझे वहाँ पर दौड़ा के ले जाया गया, है ना, जो वहाँ का स्टाफ था उन्होंने, बाई इन्फ्यूरिटेड ऑफिशियल्स, है ना, गुस्से में भरे हुए वहाँ के उस एयरलाइन के स्टाफ द्वारा। लकीली, सौभाग्य से, द सीट बुकड फॉर मी, मेरे लिए जो सीट बुक की गई थी वाज एट एक्सट्रीम फ्रंट, वो बिल्कुल आगे ही आगे की सीट थी। आई कवर्ड द फ्लोर अराउंड माई फीट विद न्यूज़पेपर्स, मैंने मेरे जो पैरों के नीचे की जो फर्श थी वहाँ पे अखबार बिछा दिए। रैंग फॉर द एयर होस्टेस, और एयर होस्टेस के लिए मैंने घंटी बजाई। एंड गेव हर ए पार्सल ऑफ फिश फॉर मिज टू कीप इन ए कूल प्लेस, और मैंने उस एयर होस्टेस को एक मछलियों का पार्सल दिया। मछलियाँ किसके लिए थी, उस मिज के खाने के लिए थी, वो है ना, उसको पार्सल दे दिया उस एयर होस्टेस को, ताकि वो उनको एक ठंडे स्थान पर रख दे, यानी फ्रिज में रख दे। I took her into my confidence about the events of the last half hour, है ना, लेखक कह रहे हैं कि मैंने पिछले आधे घंटे में जो भी घटनाएं घटित हुई उनको मैंने उस एयर होस्टेस को पूरी बात उसको बता दी, और मैंने उसको अपने कॉन्फिडेंस में ले लिया, यानी एक तरह से मैंने अपनी बातों को जस्टिफाई करने की कोशिश की उसकी सहानुभूति प्राप्त करने के लिए। आई हैव रिटेन्ड द मोस्ट प्रोफाउंड एडमिरेशन फॉर दैट एयर होस्टेस, सी वॉज द वेरी क्वीन ऑफ हर काइंड, सी सजेस्टेड दैट आई माइट प्रिफर टू हैव माई पेट ऑन माई नी एंड आई कुड हैव किस्ड हर हैंड इन द डेप्थ ऑफ माई ग्रेटिट्यूड, है ना। अब लेखक ये कहना चाह रहे हैं कि लेखक ने जो पिछले आधे घंटे में जो भी घटना घटित हुई थी वो सब उसको बता दी, है ना, वो सारी किसको बता दी उन्होंने, वो जो एयर होस्टेस थी उसको ये सारी घटनाएं बता दी। और लेखक कह रहे हैं आई हैव रिटेन्ड द मोस्ट प्रोफाउंड एडमिरेशन, कि मुझे अभी भी उसकी बहुत ज़्यादा प्रशंसा है मेरे दिमाग, मेरे दिल में उसके लिए, है ना, मेरे दिल में उसके लिए बहुत, अभी भी बहुत बड़ी प्रशंसा है, एडमिरेशन है उसके लिए, उस एयर होस्टेस के लिए। सी वॉज वेरी क्वीन ऑफ हर काइंड, वो एक तरह से राजकुमारी जैसी थी, है ना, उसका नेचर जो था वो बहुत अच्छा था, बहुत कोऑपरेटिव था। सी सजेस्टेड, उसने मुझे सलाह दी कि आई मैट प्रेफर टू हैव माई पैट ऑन माई नी, कि मैं अपने घुटनों के ऊपर रख सकता हूँ उस बॉक्स को, मैं बजाय पैरों के कहाँ रख सकता हूँ, अपने घुटनों के ऊपर रख सकता हूँ। एंड आई कुड हैव किस्ड हर हैंड इन द डेप्थ ऑफ माई ग्रेटिट्यूड, और मैं इस ग्रेटिट्यूड व्यक्त करने के लिए, मेरे हृदय में उसके प्रति क्या था, बहुत ज़्यादा जो है ना ग्रेटिट्यूड था, आभार प्रकट करने के लिए, मानो मैं उसका हाथ ही चूम लेता,
है ना, यानी लेखक इतना उसके काइंड नेचर की वजह से, है ना, उस एयर होस्टेस के काइंड नेचर की वजह से इतना ज़्यादा प्रभावित है कि वो कह रहा है कि अगर मेरा बस चलता तो मैं उसका हाथ ही चूम लेता आभार व्यक्त करने के लिए। बट नॉट नोइंग ऑटर्स आई वॉज क्वाइट अनप्रिपेयर्ड फॉर व्हाट फॉलोड। लेकिन लेखक कह रहे हैं कि मैं ज़्यादा ऑटर्स के बारे में जानता नहीं था और मैं तैयार नहीं था कि आगे क्या होने वाला है। अब देखो यहाँ अफरा तफरी मच गई। हुआ क्या कि वो जो ऑटर है ना, वो उस डिब्बे में से कूद के भाग गया है ना, और फिर इधर उधर दौड़ लगा रहा है वो। और जो अन्य यात्री हैं, देखो ये सरदार जी हैं, इंडियन सरदार जी, पगड़ी बांधे हुए है ना, ये हो गया। एक महिला तो उस पर ही चढ़ गई, ऊपर सीट के ऊपर ही चढ़ गई, ठीक है ना। ये नीचे ऑटर है इसके, ये रहा। मिज वाज आउट ऑफ बॉक्स इन ए फ्लैश, है ना, लेखक कह रहे हैं कि मिज झटके में उस बॉक्स में से बाहर आ गया, है ना, झटके के साथ वो उस बॉक्स में से बाहर आ गया। ही डिसअपीयर्ड एट हाई स्पीड डाउन द एयरक्राफ्ट, और वो उस एयरक्राफ्ट में नीचे, है ना, तेजी तेज गति से पता नहीं कहाँ लुप्त हो गया, पता नहीं कहाँ सीटों के नीचे चला गया। देयर वाज स्क्वैक्स एंड श्रीक्स, है ना, चारों तरफ, है ना, चीख पुकार मच गई, है ना, होता है ना, डर गए वो लोग। एंड ए वोमेन स्टूड अप ऑन हर सीट स्क्रीमिंग आउट ए रैट ए रैट, और एक महिला तो सीट के ऊपर ही चढ़ गई और चिल्ला रही है वो, एक चूहा आ गया है, चूहा आ गया है। I caught sight of Mid's tail disappearing beneath the legs of a portly white turbaned Indian. ना, अब लेखक कह रहे हैं कि मुझे दिखाई दिया, मिज की पूंछ दिखाई दी गायब होती हुई, बीनीथ यानी नीचे, पैरों के नीचे, किसके, ऑफ ए पोर्टली वाइट टर्बन, है ना। पोर्टली का मतलब होता है जैसे सरदारों की जो पगड़ी होती है ना, वो बिल्कुल ऐसे कसी हुई होती है, आपने देखा होगा तो, है ना, बिल्कुल ऐसे टाइट बंधी हुई होती है, तो पोर्टली का मतलब होता है टाइटली स्टाउट। वाइट टर्बन है ना, सफ़ेद रंग की उसकी क्या थी, टोपी, वो थी टोपी नहीं, पगड़ी थी एक भारतीय की, तो उसके पैरों के नीचे उसकी पूंछ दिखी लेखक को। डाइविंग फॉर इट, मैंने उसको ढूंढने के लिए नीचे झुका, है ना, लेखक कह रहे हैं कि अब ये लेखक उसके पीछे पीछे चले गए वहाँ कि भाई पकड़ के लाऊं उसको, है ना, उसके लिए, उसको ढूंढने के लिए, जैसे ही उन्होंने सीट की तरफ नीचे की तरफ डाइव किया झुके लेखक, आई मिस्ड, तो वो निशान चूक गए थोड़ा सा, है ना, निशाना चूक गए यानी उसको पकड़ नहीं पाए। लेकिन हुआ क्या, बट फाउंड माई फेस कवर्ड इन करी, लेकिन वहाँ पर क्या रखा था, कढ़ी रखी हुई थी, उसमें उनका चेहरा बिगड़ गया, है ना, एक तरह से कढ़ी उनके ऊपर फैल गई, उनके चेहरा कढ़ी से बिगड़ गया। Perhaps शायद, said the air hostess with the most charming smile, है ना, बड़ी प्यारी सी मुस्कुराहट के साथ वो जो air hostess थी बोली, perhaps शायद, है ना, it would be better, शायद ये ठीक होगा, if you resumed your seat, कि आप अपनी सीट पे बैठ जाओ, है ना, तो उसने air hostess ने कहा कि शायद ये ठीक होगा कि आप अपनी सीट पे बैठ जाओ, and I will find the animal and bring it to you, और मैं ढूंढ लाऊंगी तुम्हारे इस जानवर को और तुम्हें लाकर दे दूंगी, तुम्हारे पेट को लाके तुम्हें दे दूंगी। I returned to my seat, मैं अपनी सीट पर लौट आया। I was craning my neck, ट्राइंग टू फॉलो द हंट, है ना, अब क्रेनिंग माई नेक का मतलब गर्दन घुमा के देखना, है ना, और मैं कोशिश कर रहा था टू फॉलो द हंट, जो ढूंढ रही थी वो एयर होस्टेस उसको देखने की। वैन सडनली, तभी मैंने अचानक से देखा, है ना, तभी अचानक से, आई हर्ड, मैंने सुना, फ्रॉम माई फीट, मेरे पैरों के नीचे से, ए डिस्ट्रेस्ड चिटर, है ना, एक डिस्ट्रेस, यानी एक तरह से डिस्ट्रेस का मतलब होता है तनाव भरी हुई, है ना, थोड़ा सा परेशानी सी, चिटर की आवाज़ ऑफ रिकॉग्निशन, पहचानी जानी पहचानी चिटर चिटर की आवाज़, है ना, जैसे आपको याद होगा पिछली वीडियो में दिखाया था कि जब वो जो नल था, टेप जो था, उसको जब वो वापस गलत दिशा में घुमा देता, टाइट कर देता, तो फिर उस चिटर चिटर की आवाज़ करता था वो, किट 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 ऐसे करता था। एंड वेलकम, है ना, तो वो रिकॉग्निशन एंड वेलकम, एक तरह से वो चिटर की आवाज़ जानी पहचानी भी लग रही थी और कुछ ऐसा कर रही थी कि वो कुछ वेलकम कर रहा हो। एंड मिस बाउंडेड
ऑन टू माई नी, और मिज जो था वो फटाफट से मेरे घुटने के ऊपर चढ़ के आ गया। एंड बिगेन टू नजल माई फेस एंड माई नेक, और अपनी नाक से मेरे चेहरे और मेरी गर्दन को रगड़ने लगा। है ना, तो देखो ये है वो, तो ये जो महिला है इसके नीचे ये मिज आ गया, है ना। देखो ये मिज जो है ना, अब ये इसकी लग रहा है ना आपको नेवले जैसा है ये, है ना। तो ये वो, तो ये महिला कैसे चढ़ गई ऊपर, सीट पे चढ़ गई हो, तो इसमें पूरे एरोप्लेन के अंदर क्या मच गई, अफरा तफरी मच गई। अब हम इसका फोर्थ पार्ट पढ़ेंगे। मिज एंड आई रिमेन इन लंदन फॉर नियरली, अब ये कोई लंदन पहुंच गए, लेखक इसको लेके कहाँ पहुंच गए, लंदन पहुंच गए। मिज और मैं वहां लंदन में रहे फॉर नियरली ए मंथ, एक महीने तक, है ना। क्योंकि उसके बाद तो उनको कहाँ जाना था, स्कॉटलैंड जाना था। स्कॉटलैंड में कौन सी जगह थी, कैमस फरना, है ना, देखा था ना अपन ने। एक महीने तक लेखक लंदन में रहे। ही वुड प्ले फॉर आवर्स विद ए सलेक्शन ऑफ टॉयज, है ना। वो घंटों तक मिज जो है कुछ सलेक्शन ऑफ टॉयज, कुछ गिने चुने टॉयज के साथ वो घंटों तक खेलता रहता था, है ना। और उन टॉयज में क्या क्या चीज़ थी, पिंग पोंग बॉल्स थी, है ना, मोटी मोटी प्लास्टिक की बॉल्स होती हैं, है ना, जिनमें हवा भरी रहती है अंदर। मार्बल्स, कंचों से खेलता रहता था। रबर फ्रूट्स, है ना, रबड़ के बने हुए प्लास्टिक, इसके रबर के बने हुए आर्टिफिशियल फ्रूट्स होते हैं, उनसे खेलता रहता था। एंड ए टेरेपिन सेल, है ना। टेरेपिन सेल का मतलब होता है सेल यानी खोखला, खोल, और टेरेपिन का मतलब होता है कछुआ, टर्टल, कछुए का खोल, है ना, उससे खेलता रहता था, है ना। दैट आई हैड ब्रॉट बैक फ्रॉम हिज नेटिव मार्सेस, है ना। और वो कछुए का खोल लेखक कहाँ से लाए थे, वो सचमुच का कछुए का खोल था जो लेखक वहाँ से लाए थे जहाँ वो आया था, टिग्रिस मार्सेस, जो उसका मूल निवास स्थान था। इराक के अंदर एक नदी है टिग्रिस, उसके जो दलदली भूमि है वहाँ पर ये पाए जाते हैं, जो ऑटर्स हैं ये, तो वहाँ से लेखक लेके आए थे उसके लिए, नेटिव यानी उसका मूल निवास। विद द पिंग पोंग बॉल ही इन्वेंटेड ए गेम, और उन पिंग पोंग बॉल्स के साथ उसने क्या खोज लिया, एक खेल खोज लिया उसने अपने आप ही, ऑटर ने, विच कुड कीप हिम एनग्रॉस्ड फॉर अप टू हाफ एन आवर एट ए टाइम, जो उसे एनग्रॉस रख सकता था। एनग्रॉस का मतलब होता है उसको एक तरह से दत्तचित रखना, उसको बिजी रख सकता था पूरी तरह से उसको, कितने देर के लिए, एक बार में आधे घंटे के लिए, नहीं वो एक बार में आधा घंटे तक के लिए उसको बहुत अच्छी तरह बिजी रख सकता था। ऐसा खेल उसने अपने आप पिंग पोंग बॉल्स के साथ इजाद कर लिया था ऑटर ने। ए सूटकेस दैट आई हैड टेकन टू इराक, है ना, एक बहुत बड़ा सूटकेस था, बड़ा लंबा चौड़ा, है ना, भारी ट्रंक समझ लो। ए सूटकेस दैट आई हैड टेकन टू इराक, एक सूटकेस था जिसे कि मैं इराक ले गया था, हैड बिकम डैमेज, वो थोड़ा सा क्षतिग्रस्त हो गया था, टूट गया था थोड़ा सा, ऑन द जर्नी, यात्रा में वापस लौटते समय, होम, सो दैट द लिड, जिससे कि उसका जो ढक्कन था, वैन क्लोज, जब से बंद कर देते थे, रिमेंड एट स्लो फ्रॉम वन एंड, तो वो एक तरफ थोड़ा सा उसमें ढलान पड़ जाता था, टू द अदर, दूसरे की अपेक्षा एक तरफ का हिस्सा थोड़ा सा पिचक गया था, तो उसमें क्या बन गया था, ढलान बन गया था, ढाल बन गया था उसके अंदर। मिज डिस्कवर्ड दैट इफ, अब उसने, मिज ने उस पर भी एक गेम खोज लिया, उसने ये खोज लिया दैट कि इफ ही प्लेस्ड द बॉल ऑन द हाई एंड, कि अगर वो उसके ऊंचे वाले सिरे पर बॉल रख देगा तो क्या होगा, इट वुड रन डाउन द लेंथ ऑफ द सूटकेस, तो वो उस सूटकेस की जो चादर है उस पर ढुलकती ढुलकती नीचे की तरफ आएगी। फिर ही वुड डैश अराउंड द अदर एंड, तो वो उधर की तरफ जाके पहले उसको ऊंचे स्थान पर रखे आएगा, ऊंचे स्थान पर जाके क्या करिएगा, उसको वो रखे आएगा। फिर फटाफट से वहां से दौड़ के नीचे की तरफ आ जाएगा वो, उसको पहले वहां पर रखा ऊंचे स्थान पर, फिर वहां से तुरंत छोड़ के वापस नीचे पीछे की तरफ आ जाएगा, नीचे की तरफ, ठीक है ना। तो ही प्लेस्ड द बॉल ऑन द हाई एंड, उसे ऊंचे ऊपर की तरफ, उसे हाई एंड पे, एक सेकेंड, ही वुड डैश अराउंड द अदर एंड, है ना, तो इट वुड, हाँ, दैट इफ ही प्लेस द बॉल ऑन द हाई एंड, कि अगर वो उस बॉल को उसकी ऊंचे वाले सिरे पर रख देगा,
इट वुड रन डाउन द लेंथ ऑफ द सूटकेस, है ना, और फिर वो सूटकेस की दूसरी तरफ दौड़ के आ जाएगा। ही वुड डैश अराउंड द अदर एंड, और वो दूसरे सिरे पे जाके आधमकेगा। डैश अराउंड मतलब आधमकेगा, तेजी से आधमकेगा। एंड टू एम्बुश इट्स अराइवल, और एम्बुश का मतलब होता है छिप जाएगा, जैसे घात लगा के छिप जाते हैं ना, छिप जाएगा और उसके इंतजार करेगा आने का, उस बॉल का। हाइड फ्रॉम इट, ऐसे कि देख नहीं ले वो बॉल। क्राउचिंग है ना, बिल्कुल ऐसे सिमट के बैठ जाता था, क्राउचिंग सिमट के बैठ जाता था, और जैसे ही वो बॉल उस नीचे वाले सिरे पे आती थी तो एकदम से उछल पड़ता था। टू स्प्रिंग अप एंड टेक इट बाई सरप्राइज, और उसे कैच कर लेता था सरप्राइज के रूप में, है ना। ग्रैब इट, उसे पकड़ लेता था, है ना। एंड ट्रॉट ऑफ विद इट टू द हाई, और उसे दौड़ के फिर वापस उसके ऊंचे सिरे पे ले जाता था। एंड वंस मोर, और फिर दोबारा। तो बस यही वाला खेल, यानी पहले ऊंचे ऊंचे सिरे की तरफ ले जाके रख देगा उसको, है ना, फिर वो ढोलक के नीचे की तरफ आएगी, फिर फटाफट से आगे नीचे छिप जाएगा, ठीक है ना, और फिर उसको जैसे ही वो आएगी उसको उछल के पकड़ लेगा। तो इस तरह से उसने एक खेल ईजाद कर लिया था। अब लेखक कह रहे हैं, आउटसाइड द हाउस, घर के बाहर, आई एक्सरसाइज हिम ऑन ए लीड, मैं उसे घुमाने के लिए ले जाता था, एक्सरसाइज करने जाता था उसको, मैं टहलकदमी करने के लिए, चहलकदमी करने के लिए, टहलाने के लिए ले जाता था। प्रिसाइजली एज इफ ही हैड बीन ए डॉग, जैसे कि मानो वो क्या हो, डॉग हो, जैसे कि लोग मॉर्निंग वॉक पर डॉग्स को ले जाते हैं ना, अपने पेट डॉग्स को, उसी तरह से। मिज क्विकली डेवलप्ड सर्टेन कंपल्सिव हैबिट्स ऑन दीज वॉक्स इन द लंडन स्ट्रीट्स, है ना। अब मिज ने फटाफट से, है ना, डेवलप कर ली, है ना, विकसित कर ली कुछ ऐसी हैबिट्स। कंपल्सिव हैबिट्स का मतलब होता है जो जिनके बिना रहा नहीं जाए, है ना, जिन पर कंट्रोल नहीं किया जा सके, है ना, ऐसी हैबिट्स उसने डेवलप कर ली ऑन दीज वॉक्स, इन वॉक्स के दौरान, है ना, जब वो उसे घुमाने ले जाते थे उस समय, इन द लंडन स्ट्रीट्स, लंडन की गलियों में। लाइक द रिचुअल्स ऑफ चिल्ड्रन, है ना, उसने इस तरह की कंपल्सिव हैबिट्स डेवलप कर ली अपने अंदर, जैसा कि बच्चे कर लेते हैं, बच्चों को हैबिट्स पड़ जाती हैं, रिचुअल्स ऑफ द चिल्ड्रन, बच्चे की आदत पड़ जाती है। कैसे, हु ऑन देयर वे टू एंड फ्रॉम स्कूल, जब वो स्कूल जाते और आते हैं, जिस प्रकार से बच्चे जब स्कूल से जाते आते हैं, स्कूल को जाते आते हैं, मस्ट प्लेस देयर फीट स्क्वायरली ऑन द सेंटर ऑफ ईच पेविंग ब्लॉक, है ना, तो जो फुटपाथ होता है उस पे जो चौके बिछे रहते हैं, तो उसके बीच में पैर रख रख के जाते हैं वो, है ना, जैसे एक पैर रखा फिर उसके दूसरे वाले के बीच पे रखा, है ना, बिल्कुल सेंटर में बच्चे ऐसे उछल कूद करते हुए जाते हैं, है ना, पैटर्न बना के। मस्ट टच एवरी सेवंथ अपराइट ऑफ द आयरन रेलिंग्स, है ना। तो ये लेखक बच्चों की बता रहे हैं, जिस तरह से बच्चों की कंपल्सिव हैबिट्स होती हैं, उसी प्रकार से ऑटर ने भी कंपल्सिव हैबिट्स डेवलप कर ली थी। तो पहली तो बता रहे हैं लेखक के बच्चे क्या करते हैं, है ना, जैसे ये इस तरह से स्क्वायर वो हैं, है ना, इस तरह से स्क्वायर पेवमेंट्स हैं इस तरह के, है ना, तो पहले यहाँ पे बिल्कुल बीचों बीच पैर रखेंगे, फिर यहाँ पे उछल के पैर रखेंगे, फिर यहाँ रखेंगे, फिर यहाँ रखेंगे, ऐसे उछलते हुए जाते हैं बच्चे, है ना। दूसरी हैबिट क्या होती है उनमें बच्चों में, कि मस्ट टच एवरी सेवंथ अपराइट, है ना, कि वो हर सातवें अपराइट का मतलब क्या है यहाँ पे, पोल, है ना, सातवें पोल को ऑफ आयरन रेलिंग, जो लोहे की रेलिंग होती हैं, तो उन पे जो पोल जो वो होते हैं ना, गोल गोल पाइप होते हैं, उसके हर सातवें पोल को टच करना, है ना, छः को नहीं करेंगे, सातवें नंबर को टच करेंगे, ठीक है ना, ऐसे गिनते जाएंगे 1 2 3 4 5 6, और जैसे ही सातवां आएगा फट से उसको टच कर लेंगे। तो ऐसे बच्चे होते हैं, उनकी आदतें होती हैं ये। और पास टू आउटसाइड ऑफ एवरी सेकेंड लैम्प पोस्ट, और पास टू द आउटसाइड ऑफ एवरी सेकेंड। और तीसरी प्रकार की कंपल्सिव हैबिट बच्चों में और क्या होती है, वैसे तो बहुत सारी होती है, तो लेखक ने दो तीनों के नाम दिए, कि एक में अंदर की तरफ घुसेंगे, एक में अंदर की तरफ घुसेंगे, फिर दूसरे में बाहर की तरफ से निकलेंगे, फिर अंदर की तरफ से घुसेंगे, फिर बाहर की तरफ से निकलेंगे, इस तरह से समझा रहे हैं ये। तो लेखक कह रहे हैं कि जिस प्रकार से स्कूल जाते आते समय बच्चे विशेष प्रकार की कंपल्सिव हैबिट्स डेवलप कर लेते हैं, उसी प्रकार की हैबिट उस ऑटर ने डेवलप कर ली थी जब लेखक उसे घुमाने के लिए वॉक पे ले जाते थे, है ना। अब बताएंगे क्या क्या करी उसने। ऑन हिज वे होम, नहीं ये नहीं, ये रहा ना, अपराइट ऑफ आयरन रेलिंग्स और पास टू द आउटसाइड ऑफ एवरी सेकेंड लैम्प पोस्ट, है ना,
हर दूसरे लैंप पोस्ट पे, हाँ, तो बच्चे बच्चे जो क्या करते हैं, एक पे अंदर की तरफ निकलते हैं, दूसरे पे बाहर की तरफ से निकलते हैं, अंदर की तरफ घुसते हैं, दूसरे पे बाहर की तरफ से घुसते हैं, इस तरह से बच्चों के खेल होते हैं। अपोजिट टू माई फ्लैट, अब बता रहे हैं लेखक कि मेरा जो फ्लैट था, है ना, देखो इसमें लेखक ने शुरू शुरू में बताया कि ये रहा ऊपर लंदन में क्या था उनका, आफ्टर एन इवेंटफुल जर्नी मैक्सवेल एंड हिज ऑटर रीच लंदन, है ना, लंदन पहुंचे, वेयर ही हैज ए फ्लैट, जहां पे कि लेखक का क्या था लंदन में, एक फ्लैट था, ठीक है ना। अब ये लेखक कह रहे हैं कि जो उनका फ्लैट था उसके सामने, है ना, एक मंजिल का एक सिंगल स्टोरी प्राइमरी स्कूल था, एक मंजिल का एक प्राइमरी स्कूल था, अलोंग हुज फ्रंटेज, जिसके सामने की तरफ, है ना, उसके सामने स्कूल का जो सामने का हिस्सा था वहां पे रैन ए लो वॉल सम 2 फीट हाई, है ना, लगभग 2 फीट ऊंची एक बाउंड्री थी स्कूल की, 2 फीट ऊंची एक बाउंड्री थी आगे। ऑन हिज वे होम, जब घर लौटता था ऑटर, है ना, जब, बट नेवर ऑन हिज वे आउट, कभी भी जाते समय नहीं, बस कब लौटते समय, लेखक कह रहे हैं वे होम, ऑन हिज वे होम, घर लौटते समय करता था ऑटर, बट नेवर ऑन हिज वे आउट, कभी भी जाते समय नहीं, है ना, लौटते समय ये कारनामे करता था वो। मिज वुड टग मी टू दिस वॉल, मिज मुझे घसीट के उधर ले जाता था, है ना, पकड़ के जबरदस्ती, है ना, से खींच के, वो पट्टा बांध के ले जाते थे ना उसको, तो जैसे देखा होगा डॉग को जाता है तो पट्टे को खींचता है वो, तो ऐसे ही ये अपने उस जो बेल्ट होती है उसको खींच के लेखक को खींच ले जाता था उस दीवार की तरफ, जंप ऑन टू इट, उस पर चढ़ जाता था उस दीवार के ऊपर, क्या करता था, चढ़ जाता था, एंड गैलप द फुल लेंथ ऑफ इट्स 30 यार्ड्स, और उसकी पूरी जो लंबाई थी 30 यार्ड, यार्ड का मतलब होता है गज, है ना, एक गज 1 मीटर से थोड़ा सा छोटा होता है, यानी 0.9 मीटर के करीब होता है ये, एक गज जो होता है, यार्ड जिसको बोलते हैं, उस 30 फुट, 30 फुट नहीं, 30 गज की जो दीवार थी उस पे गैलप करता था वो, है ना, छलांगे मारता था, है ना, कुलांच मारना, जैसे देखा हो ना जब तेज दौड़ता है कुत्ता, दौड़ता है तो चारों टांगों से उछलता है वो, है ना, ऐसे तेज जब दौड़ता हो तो कभी देखा होगा ऐसा लगता है चारों टांगों से ही उछल रहा है वो, है ना, ऐसे ही घोड़ा उछलता है तो उसको गैलप बोलते हैं। तो जब ऑटर वापस, जब ये लेखक उसको मॉर्निंग वॉक पे ले जाते थे, जब वो लौटते थे उस समय जो प्राइमरी स्कूल था उसकी जो बाउंड्री थी उसकी जो दीवार थी लगभग 30 गज लंबी, उस पर वो चढ़ जाता था ऊपर और उस पर छलांगे मारता था, कुलाचे मारता था, टू द होपलेस डिस्ट्रैक्शन बोथ फॉर ऑफ प्यूपिल्स एंड द स्टाफ विद इन, और उस स्कूल में बेचारा जो बच्चे थे और जो स्टाफ था वो होपलेस डिस्ट्रैक्शन, यानी उनके लिए एक ऐसा वो डिस्ट्रैक्शन पैदा कर देता, वो सब पढ़ना लिखना छोड़ के बस उसकी तरफ देखने लग जाते थे कि करें तो करें क्या इसका, ये तो जानवर है ये मानेगा है नहीं, इस तरह से। अब है, इट इज नॉट आई सपोज इन एनी वे स्ट्रेंज दैट द एवरेज लंडनर शुड नॉट रिकॉग्नाइज इन ऑटर, है ना, अब लेखक कह रहे हैं कि मैं मानता हूं भाई कि ये कोई स्ट्रेंज नहीं है, ये कोई विचित्र बात नहीं है कि जो आम लंदन वासी हैं वो उसको रिकॉग्नाइज नहीं कर पाए, क्योंकि उन्होंने, उनके यहाँ ये मिलता ही नहीं है ना, उस ऑटर को वो रिकॉग्नाइज नहीं कर पाए, तो इसमें मुझे कोई विचित्र बात नहीं लगती। लेकिन बट द वेराइटी ऑफ गैसेज, लेकिन जो विभिन्न प्रकार के अनुमान वो लगाते हैं एज टू वाट काइंड ऑफ एनिमल दिस माइट बी, कि ये किस, कौन सा जानवर हो सकता है, केम एज ए सरप्राइज टू मी, वो मेरे को सरप्राइज करता है कि वो ऐसे ऊटपटांग गैस लगाते हैं। ऑटर्स बिलोंग टू ए कंपेरेटिवली स्मॉल ग्रुप ऑफ एनिमल्स कॉल्ड मस्टेलिन्स, है ना, अब लेखक कह रहे हैं कि ये जो ऑटर्स हैं एक छोटा एक ग्रुप होता है जानवरों का, एनिमल्स का, जिसको कि मस्टेलिन्स कहते हैं, उस प्रजाति का ये जीव है, शेयर्ड बाय द बैजर, मंगूस, वीजल, स्टोट, मिंक एंड अदर्स, है ना, अब देखो ये जो हैं ये सब ऐसे ही हैं, है ना, जैसे बैजर हुआ, है ना, मंगूस पता ही है, नेवला, वीजल, ये सब जैसे बड़ा चूहा जैसे होता है ना, नेवला, या ये जो ऑटर है, ऐसे ही जीव हैं, कोई छोटा है कोई बड़ा है।
तो इन सब को एक विशेष प्रजाति का नाम दिया गया, जिसको हम क्या बोलते हैं, मस्टलिंस बोलते हैं। तो लेखक कह रहे हैं कि ये मस्टलिन प्रजाति का एक छोटा सा जीव है। आई फेस्ड ए कंटिन्यूअस बैरेज ऑफ कंजेक्चरल क्वेश्चंस, है ना। अब देखो, बैरेज ऑफ कंजेक्चरल क्वेश्चन का मतलब होता है ए स्ट्रीम ऑफ क्वेश्चंस फिल्ड विद गैसेज, है ना। लोग तरह तरह के गैस लगाते, है ना, विचित्र प्रकार के वो, है ना, गैस करते थे। तो लेखक को एक तरह से प्रश्नों की झड़ी लगा देते थे, विभिन्न प्रकार के गैस लगाते थे लोग। तो आई फेस्ड ए कंटिन्यूअस बैरेज ऑफ कंजेक्चरल क्वेश्चंस दैट स्प्रेड ऑल द मस्टलिंस बट द ऑर्डर मोर रैंडम गैसेज हिट ऑन ए बेबी सील, है ना। अब इसका मतलब ये है कि लेखक को जब वो उसको घुमा ले जाते, तो विचित्र प्रकार के प्रश्नों की झड़ी उन पे लोग लगा देते थे, है ना, और तरह तरह के गैस करते थे, है ना। दैट स्प्रेड ऑल द मस्टलेंस बट द ऑटर, है ना। वो अन्य सारे उनके तो नाम ले लेते थे, लेकिन ऑटर को वो नहीं पहचानते थे, ऑटर उनके मुंह से कभी नहीं निकला। मोर रैंडम गैसेज, और अन्य जो भी गैस निकले, यानी एक तरह से वो जो गैस करते थे लोग, अंदाजा लगाते थे, उनमें इनमें से किसी प्रजाति का नाम वो नहीं लेते थे, बस अन्य चीजों के ही नाम लेते थे। और वो किस किस के नाम लेते थे, बेबी सील, है ना। ये बेबी सील क्या है, एक समुद्री मैमल है ये, है ना। ए स्क्विल या गिलहरी, गिलहरी कहता कोई उसको, कोई कहता वालरस, ये भी एक समुद्री जीव है ना। वालरस मिस्टर, कि क्या श्रीमान ये है, कोई कहता श्रीमान के ये मिस्टर मिस्टर ये बेबी सील है क्या, मिस्टर ये स्क्विरल है क्या, मिस्टर ये वॉलरस है क्या। इस तरह से लोग उससे प्रश्नों की झड़ी लगा देते थे। रिड्यूस्ड मी टू गिगल्स, और जब लोग ऐसा, तो मुझे हंसी आ जाती थी उनके ऊपर, है ना, मुझे हंसने पे वो मजबूर कर देते थे। एंड आउटसाइड ए डॉग शो, है ना, और एक जगह डॉग शो हो रहा था, है ना, कुत्तों की एक प्रदर्शनी सी लग रही थी वहां पे। तो मैंने एक किसी को कहते हुए सुना, ओ देखो हिप्पो जा रहा है, हर्ड ए हिप्पो, है ना, हिप्पोपोटामस होता है ना, वो तो दरियाई घोड़ा जिसको बोलते हैं, है ना। कोई कह रहा ये तो वो है तो लोग यूं ही कुछ भी उठपटांग बोल देते थे। ए बीवर, कोई उसको बीवर कहता, है ना। अब ये सब जो है ना, बताया था आपको, ये विभिन्न प्रकार के जानवर हैं। ये चूहे जैसा होता है, थोड़ा सा बड़ा होता है चूहे से थोड़ा, बीवर। कोई कहता ये भालू का बच्चा है, बियर कब है। कोई इसको लेपर्ड कहता, चीता है ये, तेंदुआ है अपेरेंटली, है ना। दैट हैड चेंज्ड इट्स स्पॉट्स, है ना। कोई कहता अरे भाई ये तो लेपर्ड है, बस इसके जो है ना स्पॉट्स चेंज हो गए, इस पे से स्पॉट्स गायब हो गए हैं। एंड ए ब्रोनोसोर, है ना, ब्रोंटोसोर। और कोई कहता अरे भाई ये तो छोटा डायनासोर है, ब्रोंटोसोर बता देता उसको कोई, है ना। तो लोग तरह तरह के अंदाजा लगाते थे। मिज वाज एनीथिंग बट एन ऑटर, लोगों के लिए मिज हर कुछ था लेकिन ऑटर नहीं था वो यानी उनको ऑटर नाम के बारे में पता नहीं था। बट द क्वेश्चन फॉर विच आई अवार्डेड द हाइएस्ट स्कोर केम फ्रॉम ए लेबरर, है ना। अब लेखक कह रहे हैं कि ये कोई कुछ कहता था, कोई कुछ कहता था, कोई कुछ कहता था, मुझे हंसी आती थी। लेकिन लेखक कह रहा है कि मुझे सबसे ज्यादा अगर मैं किसी को नंबर दूंगा, तो मैं इस वाली घटना को दूंगा जो किसी व्यक्ति ने उसके बारे में कही, मिज के बारे में। और वो क्या थी, बट द क्वेश्चन फॉर विच आई अवार्डेड द हाइएस्ट स्कोर, यानी लेकिन प्रश्न जिसके लिए मैं सबसे ज्यादा नंबर देना चाहूंगा, केम फ्रॉम ए लेबरर, वो एक लेबरर ने पूछा, जो कि डिगिंग ए होल इन द स्ट्रीट, जो कि इस गली में क्या कर रहा था, एक नाली की खुदाई कर रहा था। आई वॉज स्टिल फार फ्रॉम हिम, मैं अभी भी उससे थोड़ा दूर था। वेन ही लेड डाउन हिज टूल, है ना, और उसने देख लिया मुझे और उसने अपना टूल पटक दिया, है ना, अपना जो औजार था जिससे वो खोद रहा था, फावड़ा कुदाली जो भी थी उसने धड़ाम से नीचे पटक दी। पुट हिज हैंड्स ऑन हिज हिप्स, है ना, उसने अपने दोनों हाथ कहाँ रख लिए, अपने कमर पे रख लिए, है ना, कूलों पे रख लिए पीछे। एंड बिगेन टू स्टेयर, और घूरने लगा। एज आई ड्रू नियरर, जब मैं उसके थोड़ा और नजदीक पहुंचा, आई सॉ हिज एक्सप्रेशन ऑफ सरप्राइज एंड अफ्रॉन्ट, है ना, मैंने देखा कि उसके जो एक्सप्रेशन है वो उनमें सरप्राइज भी है और अफ्रॉन्ट भी है, थोड़ा गुस्सा भी है ना। अफ्रॉन्ट का मतलब जैसे इंसल्ट, अपमान, है ना, जैसे दुत्कारने वाली जैसी चीज होती है।
एज दो ही वुड हैव मी नो दैट ही वॉज नॉट वन अपॉन होम टू प्ले जोक्स, है ना। वो कुछ ऐसा लग रहा था कि वो मुझे ये कहना चाहता हो कि मैं मुझे तू पागल नहीं बना सकता है ना, कि तूने और लोगों को अब तक पता नहीं कोई कुछ कह रहा है, इसको कोई कुछ कह रहा है, लेकिन मैं ऐसा नहीं हूं जिसपे तुम क्या कर सकते हो, जोक कर सकते हो। तो एज दो ही वुड हैव मी नो दैट ही वॉज नॉट वन अपॉन होम टू प्ले जोक्स, है ना, कि मेरे साथ आप मजाक नहीं कर सकते हो, है ना। आई केम एब्रेस्ट, मैं उसके जैसे ही साइड में आया। ही स्पैट, उसने थूक दिया। ग्लेयर्ड, है ना, बड़े गुस्से से देखा। एंड देन ग्राउल्ड आउट, और फिर घुर्राया। हेयर मिस्टर, हे मिस्टर, व्हाट इज दैट सपोज टू बी, क्या ले आया तुम यहाँ पे, ये है ना, जैसे क्या ये गंदी चीज को उठा लाए हो तुम यहाँ, है ना, ऐसे वैसे घृणा के भाव से, दुत्कारने के भाव से, यानी क्या ले आया यहाँ पे ये, इस तरह का उसने एक्सप्रेशन दिया। तो लेखक कह रहे हैं कि पहले वाले जो थे उनसे तो मुझे हंसी आती थी, लेकिन ये वाला जो एक्सप्रेशन था इसको मैं हाईएस्ट नंबर देता हूं, क्योंकि उसने क्या किया, उसने लगा पता नहीं क्या गंदी चीज ले आया मैं यहां पे उठा के, है ना, जैसे घिन आ जाती है ना किसी को, हट क्या ले आया ये, हट, इस तरह से, ठीक है ना। तो इस प्रश्न को लेखक सबसे ज्यादा नंबर देना चाहते हैं, ठीक है बच्चों। तो मैं आशा करता हूँ आपको मेरे ये वीडियो और ये लेसन भी पसंद आया होगा। फॉर मोर वीडियोज ऑफ मैथमेटिक्स साइंस यू कैन सब्सक्राइब माई चैनल, है ना, लाइक द बेल बटन एंड शेयर विद योर फ्रेंड्स, ठीक है बच्चों। गॉड ब्लेस यू ऑल।